हरे कृष्णा। योगासन बहुत सारे हैं, कुछ बैठ के किए जाते हैं, कुछ खड़े होकर किए जाते हैं, कुछ पेट के बल किए जाते हैं, कुछ पीठ के बल किए जाते हैं। लेकिन आज यहाँ वो दो आसन बता रहा हूँ जो बहुत ही सरल हैं, जिनको कोई भी कभी भी कर सकता है। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है आपका पेट खाली भी हो। इस श्रृंखला में दो हैं, शवासन और वज्रासन। शवासन अपने आप में बहुत ही सरल है, इसको कोई भी कभी भी किसी भी बीमारी में किसी भी समय कर सकता है। केवल एकमात्र आसन है जिसको आदमी किसी भी बीमारी में कभी भी कर सकता है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। और दूसरा है वज्रासन। वज्रासन, इसमें शरीर वज्र के भांति हो जाता है। ये आसन भी यदि आप भोजन के बाद प्रतिदिन कर लें तो आपका पेट हल्का हो जाएगा, नींद अच्छी आ जाएगी और बहुत ही उपयोगी है। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं शवासन के बारे में। इस आसन में शरीर शव की भांति निचेष्ट हो जाता है। जब आप शव की भांति शरीर जमीन पर लेटे होते हैं तब इसको बोलते हैं शवासन। पीठ के बल शरीर पहले इसमें लिटा दें, पैरों में लगभग 1 फुट का फासला रखें, हथेली शरीर से 10-12 इंच दूर में आकाश की ओर रहेगी। शरीर तनाव रहित रहेगा, आंखें बंद और गर्दन सीधी रहेगी, मन में ओम का ध्यान होना चाहिए। फिर इसके बाद अपने पैरों से लेकर कपाल तक का तत्व दर्शन करें। हमेशा याद रखें सैर के बाद और शाम को ऑफिस से आने के बाद शवासन यदि कर लिया जाए तो जो भी आपके शरीर में थकान होगी वह तुरंत दूर हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा लाभ है हमारा इससे मन शांत होता है, तनाव खत्म होता है, रक्तचाप में इसको रामबाण औषधि माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण आसन है वज्रासन। वज्रासन के अंदर हम टांगों को मोड़कर घुटनों के बल बैठते हैं, एड़ियां खोल दें, उनको नितंब के ऊपर टिकाड़ दें, मेरुदंड सीधा रहेगा, हाथ घुटने पर और चेहरा सामने रहेगा। पेट को नरम बनाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, नींद को अच्छा लाने के लिए, मन की चंचलता दूर करने के लिए पाचन क्रिया में अत्यंत उपयोगी आसन माना गया है। हरे कृष्णा।